बीते पांच वर्षों में रूरल डेवलपमेंट को देश के सामान्य मानवी ने महसूस किया है, अनुभव किया है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत तक दुनिया की सबसे बड़ी योजनाएं जो आज इफेक्टिव डिलीवरी के लिए सराही जा रही है, उनके पीछे की ताकत अगर कोई है तो वो है टेक्नोलॉजी और गुड इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए हमारी प्रतिबद्धता। साथियों, आज देश में गवर्नेंस के लिए जितने बड़े पैमाने पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। कल ही हमारी सरकार ने, मेरा तुमकुर में कार्यक्रम था, देश के 6 करोड़ किसानों को एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये सब कैसे हुआ, ये संभव कैसे होता है? क्योंकि आधार एनेबल्ड टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम आसान होता है। साथियों, अगर देश के हर गांव तक, गरीब परिवार तक शौचालय पहुंचा है, बिजली पहुंची है, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। ये टेक्नोलॉजी है जिसके कारण सरकार उन 8 करोड़ गरीब बहनों की पहचान कर पाई जिनका जीवन लकड़ी के धुएं में बर्बाद हो रहा था। टेक्नोलॉजी के उपयोग से लाभार्थी की पहचान तो हुई ही, साथ ही नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहां और कितने बनने हैं ये भी हम बहुत ही कम समय में तय कर पाए। आज गांव में सड़कें समय पर पूरी हो रही हैं, गरीबों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा मकान अगर समय पर तैयार हो पाए हैं तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी की ताकत है। जियो टैगिंग और डेटा साइंस का उपयोग होने से अब प्रोजेक्ट्स की गति और तेज हुई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था से योजना और लाभार्थी के बीच का गैप अब खत्म होने लगा है। समय पर काम पूरा होने से कॉस्ट ओवररन और अधूरे प्रोजेक्ट को ही पास करने की जो शिकायत आती थी वो भी अब खत्म हो रही है। फ्रेंड्स, वी आर कंटिन्यूइंग अवर एफर्ट्स टू एंश्योर द ईज ऑफ डूइंग साइंस एंड इफेक्टिवली यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस रेड टेप।